प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता कि आपने मेरे हर सदस्य को बचा करके रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए यही प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा की, उन्हें रात भर अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर, और अच्छे से सो करके उठ के सुबह पार प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंत कि आपने हमारे हर परिवार की समस्याओं को पिता आपने देखा। मेरे परिवार में जो भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसे खत्म कर दिया। और जो मसीह भाई भी अपने घर के प्रॉब्लम की वजह से पिता परमेश्वर चिंतित हैं, बहुत लोगों का फोन आता है, कॉल आता है और पिता ईमेल करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आपकी प्रार्थना को वो लोग स्वीकार करते हैं, आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर काम करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंत कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को जो विचार है उसको बहुत अच्छा रखा और साफ रखा यीशु मसीह के नाम से। और जो कमेंट के द्वारा पिता परमेश्वर भेजते हैं अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनकी हर एक चिंताओं को पिता आप मिटा दीजिए। हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में जो भी कुछ हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज उनके परिवार के सदस्यों को पिता आप हटा करके, हर प्रकार की बुराइयों से हटा करके, हर प्रकार की समस्याओं से हटा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनको इस अच्छे स्थान पर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से, जहां पर ना किसी प्रकार का दुख, प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ से जुड़ी हुई है, आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं। आज हर एक मसीह भाई अपने आंखों को बंद करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर आज उनको आप ब्लेस करेंगे, उनको आप आशीष देंगे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए, अपने आंखों को बंद करके रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपको विशेष प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेस करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, अपनी प्रजा को आज पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, इसलिए पिता आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आज उनको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेंगे, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के अंधकार के ताकत की शक्तियों से उन्हें आप बचा करके रखेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान ईश्वर है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सब देवताओं के ऊपर महान राजा है मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं कि आपने सृष्टि और धरती और आकाश को बनाया। आज उनके परिवार में सदस्य जो लोग पीड़ित हैं यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे परिवार में जो लोग हैं पिता परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये हमारा एक परिवार है पिता यीशु मसीह के नाम से। इस परिवार में जो भी लोग सदस्य आते हैं वो कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, उनके हर प्रकार की समस्याओं को पिता आप देखने वाले हैं। आप तो महान ईश्वर है पिता परमेश्वर, आप तो स्वर्ग विराजमान है मेरे खुदावन। आज मेरे परिवार के हर सदस्यों को पिता आप ब्लेस करेंगे, उनको आशीष करेंगे पिता परमेश्वर, चाहे ये देश में प्रार्थना सुनी जा रही है, चाहे विदेशों में सुनी जाती है यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग अदर कंट्री से करते हैं, कमेंट आता है यीशु मसीह के नाम से, ईमेल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके परिवार को आज प्लेस करेंगे मेरे यहोवा परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार के सदस्यों को पिता परमेश्वर ठीक करेंगे, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताएं से उन्हें आजाद करेंगे। जिन मसीह भाई बहन के परिवार की वजह से टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके परिवार को सही से दिशा नहीं मिल पाती है, उनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे खुदावन, आज उनको आप प्लेस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा सहायक परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। इसीलिए आज हमको भरोसा रखना है, अपने आंखों को बंद करके केवल परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है। आज के बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगा, जब तक आप प्रार्थना करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे खुदावन आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, इसीलिए पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा, जब पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 94 और वचन नंबर 19 में परमेश्वर आपने वहां पे कहा है, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, हे यहोवा तेरी दी हुई शांति मुझको सुख देती है मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में सुख होता है मेरा परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके सिंहासन पर बैठे हुए यीशु मसीह के नाम से वो स्वर्ग का सिंहासन है, वो पवित्र स्थान है पिता परमेश्वर। न वहां पे किसी प्रकार का दुख है, न तकलीफ है, न मुसीबत है मेरे खुदावन। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो विराजमान यहोवा है पिता परमेश्वर, आप तो स्वर्ग में विराजमान है मेरे खुदावन, आप तो महासागर को बनाने वाले हैं पिता, महानंद को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर, इस पहाड़ को बनाने वाले हैं परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर आपका होगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं आपके वचन पर जो भी है यीशु मसीह के नाम से, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, उनके परिवार के सदस्यों को पिता आप ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे, किसी प्रकार के दुख और चिंताओं से उनका हटा करके रखेंगे मेरे खुदावन।
आज उनके परिवार को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनके सदस्यों को ब्लेस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो राई के दाने के बराबर भी विश्वास करता है। आप जानते होंगे कि राई के दाने कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा सा होता है कि उसे हम हाथ में सही से पकड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से हमको कहा है एक राई के दाने के बराबर अगर विश्वास होगा तो पहाड़ जैसे बीमारियों को आप आज्ञा देंगे तो वो हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को आपके लाइफ से चली जाएंगी। पहाड़ जैसी बीमारियाँ जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनका कोई किसी प्रकार का इलाज नहीं है, परमेश्वर ने इतनी हमें सामर्थ्य दी है कि प्रभु मसीह कहते हैं किस पहाड़ से जाकर के कह दोगे, तो परमेश्वर से इसी बात को कह रहे कि समुद्र में जाके उखड़ के गिरेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करोगे। पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं संसार में, इस देश में, इस समाज में, इस घर में, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम बड़ी बड़ी बीमारियों को, हर प्रकार के दुख साष्टमाओं को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को मिटा दोगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ्य, वो ज्ञान और वो बुद्धि दी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे पिता पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर रखो, मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु से हमको समझाते हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, हर परिवार के सदस्यों को पिता आप बचा करके रखिए, उनको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा करके रखिए मेरे परमेश्वर यहोवा। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमको इतनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि हम लाइव आकर के इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हम डेली लाइव करेंगे यीशु मसीह के नाम से, एक घंटे लाइव करेंगे। आज हम इतनी सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से कि हर एक मसीह भाई बहन लाइव में आए और प्रार्थना और प्रेयर करें। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके परिवार को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं मेरे खुदावा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हर एक मसीह भाई बहन के परिवार को आप बचाने जा रहे हैं मेरे पिता यहोवा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपने धरती आकाश को बनाया, आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम किया जैसे मेरे जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। मैं बहुत लाचार था, बहुत पिता परमेश्वर बीमारी से जूझ रहा था, मेरे बहुत पिता परमेश्वर आपने मदद की, मेरे आपने ताकत दी, मुझे बुद्धि दी, मुझे ज्ञान दिया, मुझे हर प्रकार की सामर्थ्य इस मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम से कि आपने मुझे बीमारी से चंगाई दी इस मसीह के नाम से। मैं आज आपकी गवाही देता हूँ इस मसीह के नाम से, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किए, क्योंकि मैं परमेश्वर के जीवन के अपने जीवन को पिता इस मसीह के नाम से उसे प्रार्थना और विनती करते आया हूँ, तो परमेश्वर आज मुझे चंगा किया है। आज मुझे हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से मेरा परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं। आप भी विश्वास रखें, आपके पिता परमेश्वर आपको बचाने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, हर प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक करेंगे, क्योंकि यहोवा टूटे दिल को, यहोवा टूटे लोगों को, यहोवा टूटे मन वालों को परमेश्वर समीप रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के समीप आता है, जिनका दिल टूट चुका है इस संसार से, दुख से, बीमारी से और दूसरे लोगों से, अपने परिवार से, घर से, यहोवा आपके दिल को जोड़ेगा। वही आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपकी हर समस्याओं को सुनेगा, आपसे वही प्रार्थना और उनसे विनती करेगा। आज हर मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ पीते हुए बच्चे को, यानी दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने अपनी तस्वीर में, अपने डिजाइन में बनाया है, अपने शक्ल में बनाया हमारा परमेश्वर हमको। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ने हमें इतने ज्ञान, इतना प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों को बचाने के लिए दे दिया। हमें विश्वास करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना निवेदन करिए, आज इतनी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना इस मसीह के नाम से हम करते हैं, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मैं सबका न्याय करूंगा, क्योंकि परमेश्वर जो प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि हे पृथ्वी के न्यायी उठ खड़े होंगे जो घमंडी अपने आप को कहलाते हैं, अहंकार अपने अंदर रखते हैं, परमेश्वर उन सबको जला देगा।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मेरे खुदावन आप तो महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा आप तो महान हैं, आप तो राजाओं के राजा हैं, आप देवताओं के देवता हैं मेरे प्रभु, आप तो धन्य हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आपके चरणों पर आकर के प्रार्थना करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर परिवार के सदस्यों को पिता यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी जो व्यवस्था है पिता हमें सिखाइए, आप जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं उसे सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। भला होता कि पिता मेरे आप जीवन में आकर के कार्य करते, मेरे जीवन को आप सुरक्षित रखते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को, आपकी बातों को अपने हृदय में, अपने दिल में संजो करके रखूंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, दिल से करता हूँ मेरे परमेश्वर। उनके मसीह भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन ही कहता है पिता परमेश्वर, जो मेरा वचन अपने हृदय में बैठा के रखता है यीशु उसको ब्लेस करते हैं, उसको आजाद करते हैं, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा करके रखते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर आज के दिन के लिए आपने जो दिया मेरे परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं मेरे खुदावन। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, दूसरा इतिहास पिता परमेश्वर पढ़ते हैं और अध्याय 7 और वचन नंबर पिता आपने 14 में कहा है, तब यदि मेरी प्रजा लोग, जो मेरे लोग हैं, प्रजा परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर के अपनी बुरी चाल चलन को मुंह फेर लें, तो परमेश्वर कहता है तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनके पाप को क्षमा करूंगा और जिस देश में वो रहते हैं उस देश में उनको बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर और ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि दी, आज हमको हम परमेश्वर से वादा करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन वादा करे कि परमेश्वर हम आपके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे पिता, लेकिन हमारा जो मन है पिता परमेश्वर उसको हम समझाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं मेरे खुदावन, किसी प्रकार के गलत कामों में ना जाए, किसी प्रकार के गलत सोच में ना जाए, किसी के भलाई के जीवन के लिए सोचे यीशु मसीह के नाम से। धन्य है मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, मुसीबत यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को जब तक मैं खत्म न कर दूं तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हे यहोवा परमेश्वर, आज के स्वर्गदूत आपके यहाँ पे खड़े हैं, उनके पास में खड़े यीशु मसीह के नाम से, वो महसूस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, उनके पास आपके स्वर्गदूत खड़े यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप देखने वाले हैं खुदावन, आपके स्वर्गदूत उनके पास खड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो इसे एहसास कर पा रहे हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार के दुख और तकलीफों से बचा करके रखने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके हर एक पापों को क्षमा करने जा रहे हैं पिता, उनके हर प्रकार की लालच को, हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन को हाथों को पिता आपके चरणों पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन को सुरक्षित रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिसने पैर रखा, जिसने हाथ रखा, जिसने पिता आपने उनको आशीष दी, जिनके आपने पिता परमेश्वर उनके जीवन ब्लेस किया, उनको आशीष दिया, वो अपने चरणों पे पिता परमेश्वर आपको शीश नवाते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों पे आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर आपके चरणों पे आकर के विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आपके चरणों पे ठिकाना पाएंगे पिता परमेश्वर, आपने कहा है जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीष देगा, उसको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा करके रखेगा। इसलिए मेरा परमेश्वर आज मुझे बचाने जा रहा है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, मेरी हर एक प्रकार की बुरी जो चाल है, हर प्रकार के जो मेरे मन में अनेक प्रकार की दुष्टता आती है उसको मिटाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज अपने चरणों पर पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन आपके चरणों पर आकर के प्रार्थना करता है, विनती करता, धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम से। हम पाप के कारण अपना सिर नहीं उठा पा रहे हैं पिता, हमको ब्लेस करिए, हमारे हर अपराधों को क्षमा करिए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर की, आपने हमारे जीवन में आशीष की वर्षा की यीशु मसीह के नाम से। सुलेमान के जीवन जिस तरीके आपने काम किया, अब्राहम के जीवन जिस तरीके काम किया, आयुब के जीवन जिस तरीके काम किया यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपने एक दास को पिता परमेश्वर अपने मुंह से पिता परमेश्वर बोल के कहा
है कि मैं आज तक ऐसा कोई दास नहीं देखा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे खुदावन। आयुब के जीवन को जब हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, मुझे वहाँ पर इतनी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे खुदावन। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में पिता परमेश्वर सिर्फ उसी का जीवन आता है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपने खुद आकर के उसके जीवन को देखा था, उसको आपने इतनी बरकत दी थी, इतना आशीष दिया था, इतना ज्ञान दिया था, इतना बुद्धि दी, सब कुछ पिता उसके जीवन बहुत कुछ था। उस पृथ्वी का राजा था मेरे परमेश्वर यहोवा, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके पास ना रही हुई पिता परमेश्वर, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके पास ना रही हुई मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, क्योंकि वो बहुत खराब व्यक्ति था यीशु मसीह के नाम से, वो आपकी आज्ञाओं पर चलता था, आपके विरुद्ध कभी नहीं पाप करता था। मैं भी वैसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरे हर एक सदस्य जो लोग हैं इस समय जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, उनके आशीष की वर्षा कर यीशु मसीह के नाम से, उनको आपकी प्रार्थनाओं को पिता यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को ब्लेस करें, उनको आशीष दें मेरे खुदावन। आप तो प्रभुता करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपको जो मेरे परमेश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने हृदय से पिता मैं आपको ग्रहण करता हूँ, आपको विश्वास करता हूँ मेरे खुदावा, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन को ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावा, उनके हर प्रकार की प्रार्थना को सुन मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूत उनके पास खड़े हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, जब तक पिता परमेश्वर आप उनको आशीष नहीं देंगे पिता यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, विनती करूंगा मेरे खुदावन, उनको आप आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम से। वो स्वीकार करते हैं पिता अपने साहब की प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनको ब्लेस करेंगे, आप उनको ऐसे अनुभव देंगे यीशु मसीह के नाम से, उनको ऐसा एहसास हो कि पिता आप उनको छुआ, उनको आशीष दी मेरे खुदावन। आज हर एक मसीह भाई बहन जो आज प्रार्थना को सुन रहे यीशु मसीह के नाम से और आपको धन्यवाद कर रहे हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं, आज उनके दिन में जो भी कार्य यीशु मसीह के नाम से जो अपने घर पर रह करके करते हैं मेरे खुदावन, आज उनके परिवार को आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, हर एक कार्य में उनकी मदद करिए परमेश्वर, हर एक कार्य में पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, कहीं भी किसी भी स्थान पे बैठे हो, घर में हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं लाइफ में, बच्चे हैं छोटे बेटे बड़े, छोटे हैं और बड़े हैं, मसीह के नाम से उनके लिए दुआ करते हैं, उनके हर एक परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनकी प्रार्थना वो भेजते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के कार्यों के पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, और शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार के कार्य और हर प्रकार की समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ अच्छा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी उसके जीवन में लाइफ में अनेक प्रकार की बुरी भावना को ना उत्पन्न करे, बुरे कार्य का विचार ना करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार जो उत्पन्न हो यीशु मसीह के नाम से, जो मन में हर प्रकार की समस्याएं उपलब्ध हो यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार का अच्छा ही अच्छा हो यीशु मसीह के नाम से। उसके दिमाग में जो सोचे वो भी अच्छा हो, उसके मन में जो आए वो भी एक अच्छा हो, दूसरे की भलाई के लिए सोचे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके परिवार के, मेरे परिवार के सदस्यों को पिता, इस चैनल के जितने भी परिवार हैं, जो लोग प्रार्थना सुनते हैं, उनके परिवार को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष करने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की तकलीफ से, दुख से, मुसीबत से बचा करके रखने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, अपने परिवार के सदस्यों को पिता, अपने हर एक मसीह भाई बहनों को पिता आपके चरणों पर सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज उस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनको आप ब्लेस करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। उनके परिवार के सदस्यों को पिता आप ठीक करने जा रहे हैं, उनको शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। पिता आपने मेरे परिवारों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बचा करके रखा मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता, कि आपने हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखा। उनके परिवार में हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहे हैं, उनको नौकरी की जरूरत है, उनके जॉब की जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है, उनके भुखमरी है इस मसीह के नाम से। जो लोग भूखे से परेशान हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, जिनके घर में पैसे की नहीं है, जिनके घर में तंगी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज उनके हर कार्य को ब्लेस करिए। और जो एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कोई भी रुकावट ना आए इस मसीह के नाम से, कोई भी दरारें ना आए इस मसीह के नाम से, पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा ना हो इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आज उनके परिवार को आप प्लेस करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपके स्वर्गदूत उनके पास स्थित हैं पिता परमेश्वर, सुरक्षित आप उनको रखते हैं, वो आपको धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूत उनके घरों के ओर पहरा दे रहे हैं इस मसीह के नाम से, अपने बिस्तर पर वो बैठ करके प्रार्थना को सुनते हैं, बिस्तर को लेटे लेटे प्रार्थना को सुनते हैं इस मसीह के नाम से, उस चंगाई को रिसीव करने जा रहे हैं। चंगाई को पिता परमेश्वर
हर प्रकार के दुख से प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हर प्रकार के दुख को मिटाने जा रहे हैं। पिता, आपके स्वर्गदूत वहाँ पे स्थित हैं, आप वहाँ पे स्वर्गदूत खड़े हैं, सिर्फ आप बोलिए कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े हैं। आज बोलिए, हर एक मसीह भाई बहन बोलिए जो प्रार्थना को भी सुन रहा है, कहिए कि पिता आपके स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे विश्वास है पिता इस मसीह के नाम से कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े हैं। इस मसीह के नाम से मैं अनुभव कर पा रहा हूँ पिता परमेश्वर, मैं महसूस कर पा रहा हूँ पिता परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े हैं मेरे घर में। इस मसीह के नाम से मैं धन्य हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दी, मुझे आपने प्लेस किया, मुझे आपने ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी मेरे खुदावर। आज के दिन के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं मेरे इस मसीह के नाम से, धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं खुदावर कि आपने मेरे परिवार के सदस्यों को बचा करके रखा इस मसीह के नाम से। मेरे यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से, आज उनको आपने ब्लेस किया, उनको आशीष किया, अभी एक महीन को छुआ इस मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूत उनको आशीष दी इस मसीह के नाम से, आपने जो आज्ञा दी है उसको जीवन कार्य हुआ इस मसीह के नाम से, हर वो कार्य सफल होने जा रहा है मेरे परमेश्वर, आज उनको प्लेस किए इस मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से, आज उनको छुए इस मसीह के नाम से, उनको हर प्रकार के दुख से तकलीफ से बचा करके आपने रखा। धन्य मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आज उनके बीमार अंगों पर हाथ रख करके मेरे परमेश्वर यहोवा, हे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज उनके बीमार अंगों पर हाथ रख करके उनको चंगा कीजिए मेरे खुदावन, उनके परिवार के हर सदस्य को चंगाई दीजिए इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। विश्वास करिए कि हमारा परमेश्वर रक्षक है, वो हमें हर प्रकार के दुख से तकलीफ से बचा करके रखेगा, हमें वो ब्लेस करेगा, हमें वो आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आपके छत्र और छाया में हम पलते हैं, आपको धन्य कहते हैं मेरे खुदावन। आज उनके परिवार में ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, किसी भी बीमार अंग पे वो हाथ रखते हैं मसीह के नाम से चंगा हो जाए, अपने नहीं पिता परमेश्वर दूसरे के शरीर पर रखे यीशु मसीह के नाम से, दूसरे के बॉडी के ऊपर हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, जहां पर जाए और रखें उस हाथ को पिता परमेश्वर, इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से, जिस स्थान पे जिस जगह पे बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, तुरंत रखते यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने मुझे वो शक्ति वो सामर्थ्य दी है मेरे परमेश्वर, मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने इतनी सामर्थ्य इतनी ज्ञान इतनी बुद्धि दी यीशु मसीह के नाम से, जितना मेरे जीवन में दिया, मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में दिया, मेरे हर मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने कार्य किया यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ही दुआ करते हैं मेरे खुदावन कि आज मेरे परिवार के सदस्यों को पिता आप बचा करके रखेंगे, वो यदि बीमार भी हैं यीशु मसीह के नाम से उनके बीमारों पर हाथ रखें, उनके घर में किसी प्रकार की कड़की आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, धन्य मेरे खुदावन उनके परिवार के सदस्यों को बचा करके रख मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। फिर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर इस समय प्लेस कर, उसको आशीष कर, पे आपकी जरूरत है पिता, वो रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावन। हर मसीह भाई बहन के जीवन को आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए मेरे खुदावन, उनके हृदय में उनके दिल में उनके प्यार में को बहुत बोइए इस मसीह के नाम से। आप किस प्रति प्यार करें, आपसे प्रेम करें, इतना प्रेम करें इस मसीह के नाम से कि संसार में जो वस्तु है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे अंदर किसी प्रकार की मोह माया न हो यीशु मसीह के नाम से, हम सिर्फ आपसे प्यार कर सकें, आपसे प्रेम कर सकें, सिर्फ आपसे सच्चा प्रेम कर सकें, क्योंकि आप ही सच्चा प्रेम करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, और इस संसार में कोई नहीं प्रेम कर सकता है मेरे खुदावन, सिर्फ आपको छोड़ करके मेरे यहोवा परमेश्वर, सिर्फ आपका प्यार सच्चा है। आप मृत्यु के बाद भी और जब तक जीते हैं पिता तब तक आप प्रेम करेंगे, उसके बाद मृत्यु के बाद भी हमसे प्रेम करेंगे खुदा, आप तो हैं पिता परमेश्वर। इस संसार के लोग सिर्फ पिता पर सच्चा, जब तक हम जीवित रहेंगे तब से हमसे लोग जुड़े रहेंगे, वो भी स्वार्थ के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये सच्ची बात है, आप विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे इंसान जुड़े रहेंगे। कुछ ही लोग होते हैं जो आपको स्वार्थ के लिए नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपके 99% सिर्फ 1% बचता है कि लोग आपसे, एक दो ऐसे होते हैं जो आपसे स्वार्थ की बातों को लेकर के नहीं करते हैं, स्वार्थ आपसे नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का लाभ के लिए नहीं मरते हैं आपके लिए। लेकिन परमेश्वर आपसे किसी प्रकार के लाभ क्या, किसी प्रकार की बातों के लिए परमेश्वर आपको किसी, क्योंकि हम उसके संतान हैं, वो हमारा परमेश्वर
है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या कभी पिता अपने बाप अपने बेटों से कभी किसी प्रकार की कोई लालसा रखता है? नहीं, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके संतान हैं। आज इस समाज में, इस घर में, इस देश में, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी बिना लाभ के लिए हमसे प्रेम रख सके, हमसे रिश्ता रख सके। हमारा एक सच्चा खुदा है। आज विश्वास करिए, आपको परमेश्वर प्लेस करने जा रहा है। आपके स्वाप के साथ पास स्वर्गदूत इकट्ठा है, देख पा रहा हूँ इस मसीह के नाम से। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो मसीह भाई बहन लास्ट तक धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेगा, परमेश्वर उसको इतना देगा, इतना सब कुछ देगा, ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, घर में अनेक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में जीवन में चलती हैं वो सब दूर होने जा रहा है। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, के परिवार के सदस्य को आप बचा करके रखिए, क्योंकि पिता वो आपसे प्रार्थना और विनती और प्लेस करते हैं। आपके स्वर्गदूत पिता उनके राइट हैंड के पिता इस मसीह के नाम से खड़े हैं, इस मसीह के नाम से दाहिने हाथ की तरफ खड़े इस मसीह के नाम से मैं देख पा रहा हूँ, इस मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, इस मसीह के नाम से कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे खुदावन, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आज इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। मेरे खुदावन, के परिवार को आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर आप हमारे रक्षक, आप मेरे सुरक्षा देने वाले इस मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। मैं किसी बात पर घमंड नहीं करता हूँ पिता, मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूँ। मैं परमेश्वर को आज आप ये अपने जील में, अपने दिमाग में, अपने हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए कि मैं घमंड करता हूँ पिता, क्योंकि मैं आपके नाम को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आपके वचन को जानता हूँ, आपके पवित्र बेटे को जानता हूँ, आपके पवित्र लहू को जानता हूँ, जिसने मेरे पापों के खातिर, इस संसार के पापों के खातिर अपने प्राण को बहा दिए इस मसीह के नाम से। आज मैं उस बात पर घमंड करता हूँ, मेरे अंदर अहंकार है, क्योंकि मैं सच्चे खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, कि जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर, मैं आज मेरे हर अपराधों को क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप प्लेस करने जा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को आपने जो हुक्म दिया, जो आज्ञा दी पिता, वैसे उनके जीवन में कार्य कर दिए यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत खुश यीशु मसीह के नाम से, और बहुत प्रसन्न यीशु मसीह के नाम से कि मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को आपने प्लेस किया, उनको आशीष दिया, उनको चंगाई दी यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाही को शेयर करेंगे, अपनी गवाही को देंगे। मेरे खुदावा, उनके परिवार को आपने बचा करके रखा, उनके हर प्रकार की समस्याओं को बचा करके रखा, उनके परिवार को इतना बदल दिया पिता परमेश्वर, कि पहले से इतना अच्छा कर दिया यीशु मसीह के नाम से, कि आज अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आता है यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन का, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता, जो आप मुझे ताकत देते हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर यीशु मसीह भाई के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। आज उनके परिवार को आपने बचा लिया यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आज उनके परिवारों को आपने सुरक्षित रखा मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दर्द के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, हर प्रकार के दुख तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, पैसे की कमी के लिए, तंगी के लिए, अनेक प्रकार के जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, लाइफ में, घर में पैसे नहीं, यीशु मसीह के नाम से पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो गई हैं। विश्वास करिए केवल परमेश्वर के वचन पर, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, उसने हमारे पापों के लिए मरा है। तो आज हमारे पापों के लिए परमेश्वर फिर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत देगा, और हमको ब्लेस की आशीष देगा। आज आपको हर मसीह भाई बहन को परमेश्वर ने आशीष दी। विश्वास करिए, उस प्रार्थना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित रखा है। आज हर मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते, स्तुति करते, विनती करते हैं मेरे खुदावर, धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावर। आज उनके परिवार को आपने बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर।
हर प्रकार की बीमारियों के लिए, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, क्लेश हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो लाइफ में, जीवन में, समस्या के नाम से आज उसे चंगा कर दिए मेरे खुदावन। और बहुत खुश है समस्या के नाम से, आज हर एक मसीह भाई बहन बहुत खुश है पिता कि आप उनके जीवन को आपने बचाया इस मसीह के नाम से, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आपने खत्म कर दिया। और जिन मसीह भाई बहन के जीवन में अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अभी चाहे उनको ब्लेस कर, उनको आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से हर प्रकार के बीमारियों के लिए पिता, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की उस पवित्र लहू, उस पवित्र नाम के द्वारा इस मसीह के नाम से दुष्ट और तमाम प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कीजिए, उनके चेहरे पर चमक आए पिता परमेश्वर, हंसे और दौड़े और कूदे और आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, अच्छा ज्ञान पाए, अच्छा बुद्धि पाए, अच्छा बोलने पाए, अच्छा समझ पाए इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आज उनको आप प्लेस की उनको आशीष दी मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मसीह के नाम से मेरे खुदावन, उनको आप प्लेस की मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, आज उनको अभिषेक कर मसीह के नाम से, उनको पवित्र आत्मा दे मेरे खुदावन, कि आपसे प्रार्थना और विनती कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।